हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट ईवीएस स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी चैप्टर नंबर 12 वर्क वी डू। इन चैप्टर नंबर 12 टुडे वी विल सी पार्ट 4 हार्ड वर्ड्स। MASON मैसन, मैसन मतलब जो मकान बनाने वाला होता है उसे कहते हैं मैसन। BREAKFAST ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मतलब जो सुबह का नाश्ता होता है उसे कहते हैं ब्रेकफास्ट। DIFFERENT डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग। RELISE रियलाइज, रियलाइज मतलब ऐसा सोना या तो फिर महसूस होना। REPAIRED रिपेयर, रिपेयर मतलब मरम्मत करना। EARLY अर्ली, अर्ली मतलब पहले। CONSTRUCTION कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण या तो फिर बांधकाम। BRINGING ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग मतलब लाना। MATERIALS मटेरियल्स, मटेरियल्स मतलब सामग्री। ENTERING एंटरिंग, एंटरिंग मतलब प्रवेश करना। DELIVERS डिलीवर्स, डिलीवर्स मतलब पहुंचाना। COLLECTS कलेक्ट्स, कलेक्ट्स मतलब एकत्र, सब जमा होना उसे कहते हैं कलेक्ट्स, जमा करते हैं उसे। BARBER बार्बर, बार्बर मतलब नाई, जो बाल काटने वाले इंसान होते हैं उसे कहते हैं बार्बर। MIDDLE मिडल, मिडल मतलब बीच का। SHOUTING शाउटिंग, शाउटिंग मतलब चिल्लाना, चिल्लाहट। THROUGHOUT थ्रूआउट, थ्रूआउट मतलब चारों तरफ। SURROUNDING सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब परिसर, हमारे आजू बाजू का जो परिसर होता है उसे कहते हैं सराउंडिंग। MECHANIC मैकेनिक, मैकेनिक मतलब ए पर्सन हु रिपेयर्स अवर कार्स एंड स्कूटर, कार और रिपेयर करने वाले को क्या कहते हैं मैकेनिक कहते हैं। DOCTOR डॉक्टर, डॉक्टर मतलब चिकित्सक। अगर हम बीमार होते हैं तो जो जिस पर्सन के पास हम जाते हैं उसे क्या कहते हैं डॉक्टर कहते हैं। GROCER ग्रीन ग्रोसर, ग्रीन ग्रोसर मतलब सब्जी बेचने वाला। PLUMBER प्लम्बर, प्लम्बर मतलब जो हमारे नल होते हैं उसे रिपेयर करते हैं, पाइपलाइन लगाते हैं उसे क्या कहते हैं प्लम्बर कहते हैं। UTENSILS यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, जो हम घर में यूज करते हैं बर्तन उसे कहते हैं यूटेंसिल्स। LISTENING लिसनिंग, लिसनिंग मतलब सुनना। FINISHING फिनिशिंग, फिनिशिंग मतलब पूर्ण करना। NEIGHBOUR HOOD नेबरहुड, नेबरहुड मतलब अड़ोस पड़ोस, आजू बाजू वाले। REGULARLY रेगुलरली, रेगुलरली मतलब नियमित तौर पर, जो नियमित होते हैं उसे कहते हैं रेगुलरली। RETURN रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस। COWDUNG काउडंग, काउडंग मतलब गोबर। ELDERS elders, elders मतलब हमसे जो बड़े होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं elders। CHILDHOOD childhood, childhood मतलब बचपन।
एस ई एच ओ एल डी हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड मतलब गृहस्थी, घर बार, परिवार, उसे कहते हैं हाउसहोल्ड। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 12 वर्क वी डू के सारे हार्ड वर्ड्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सो यू हैव टू राइट दिस ऑल हार्ड वर्ड्स इन योर ईवीएस नोटबुक 5 टाइम्स एंड लर्न आल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।